हाय दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है उत्कर्ष, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है यूट्यूब ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल गाइस डूइंग ग्रेट। आज मैं अपनी मनपसंद जगह जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ तो अभी पता चल ही जाएगा, लेकिन गेस करो। तब तक छोटी छोटी गलियाँ, हर गलियों में फोटोग्राफी करने को, हर गली में कुछ ना कुछ खाने को, तो ऐसी जगह मैं जा रहा हूँ। पॉज करो वीडियो को, कमेंट सेक्शन में बताओ गेस करके कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। बाकी मेरे साथ कोई और भी है वो भी पता चल जाएगा, और हम कैसे जा रहे हैं, हम मेट्रो से जा रहे हैं, और मेट्रो का क्या क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको जब जाएंगे ना तभी रास्ते में बताऊंगा। तब तक के लिए आप ऐसा करो, मैंने अभी एक बुक लिखी थी तो अब वो देखो। कुछ पार्सल आया, इसके अंदर देखते हैं क्या है। जैसे पहले ये पूरी एक लाइन थी, कैसे भी आओ जाओ, लेकिन यहाँ पे बीच में डिवाइडर लगा दिया जिससे यहाँ पे जाने वाले हैं वहाँ से आने वाले हैं। यहाँ पे भी वही सीन है, यहाँ से आने का और यहाँ उतरने का, यहाँ से आने का, यहाँ से उतरने का। मेट्रो स्टेशन जो है पूरा खाली है, मेरे पीछे आप देख सकते हो कोई भी नहीं है, और मेरे आगे आगे साइड भी कोई भी नहीं है, पूरा खाली पड़ा हुआ मेट्रो स्टेशन। अगर आपको नहीं पता हो कि मतलब हर मेट्रो स्टेशन में एक एक गेट ही खुला हुआ, सारे गेट नहीं खुले हुए, और आप कंफ्यूज हो कि आप यहाँ से चढ़ जाएं या वहाँ से चढ़ जाएं, तो हर पिलर पर लिखा हुआ है गेट नंबर कि किस साइड डायरेक्शन है और कौन सा गेट खुला हुआ है, आप उसी से जाएँ बस। मेट्रो आप देख सकते हैं कितनी खाली हो रखी है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरी खाली मेट्रो। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आप जो है एक एक सीट छोड़ के आपको बैठना पड़ेगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हर हर सीट पे उनने स्टिकर लगा रखा है ताकि आपको पता लगे कि कहाँ बैठना है और कहाँ नहीं बैठना है। यहाँ इतनी सारी भीड़ हुआ करती थी, ये चेंज करने के लिए मजेंटा लाइन से वॉर्डर लाइन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी। अभी कितने लोग हैं, दो प्लस में, और आगे भी कोई नहीं है, पीछे देख सकते हो। यहाँ मेट्रो चढ़ने और उतरने के लिए भी यहाँ बना दिए, जैसे यहाँ से जाओगे और वहाँ से जाओगे, यहाँ खड़े नहीं हो सकते, बस यहीं पर ही खड़ा होना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यही बात है इंश्योर सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, ये जो मेट्रो है ना, इसमें दो शिफ्ट में चलती है। पहली जो होती है वो होती है 7 बजे से लेके 11 बजे तक, और दूसरी शिफ्ट जो होती है वो है 4 बजे से लेके 8 बजे तक। अभी बज रहे हैं 10:55। अभी मेरे को नहीं पता कि मेट्रो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि 11 बजे जो है पहला शिफ्ट, मैं उसका वेट कर रहा हूँ, और ये शायद अगर आएगी भी तो लास्ट मेट्रो होगी, क्योंकि 10:55 हो गए हैं। देखते हैं आती कि नहीं आती, क्या होगा। अभी बज रहे हैं 10:59, मतलब ऑलमोस्ट 11, और ये शायद लास्ट मेट्रो होगी 11 बजे वाली शिफ्ट की, तो लकीली मैं बच गया अभी, लेकिन थोड़ा सा 1-2 मिनट भी ऊपर हो जाता है मेट्रो मिस हो जाती, जो कि लास्ट मेट्रो है। जैसे मैं पहुंच चुका हूं लाल किला, मेरे को पता नहीं हो, किसी को भी पता नहीं हो कि भाई कौन सा एग्ज़िट करना है, कौन से गेट नंबर से, तो हर एक पिलर पे लिखा हुआ है यहाँ पे गेट नंबर 1 एग्ज़िट, और एरो इस साइड है तो इस साइड से जाना पड़ेगा। तो भैया ये है अपना लाल किला, जो कि पूरा खाली है, बंद हो रखा है, अपना नया दिल्ली 6, पुरानी दिल्ली चांदनी चौक, जो कि नया बन चुका है, काफ़ी चेंजेस आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा पत्थर लगा दिया है,
और कुछ जगहों पे टाइल्स भी लगी हुई है बीच बीच में डिज़ाइन के लिए, और बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बीच में एकदम जैसे माल रोड होता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे लाइटें वाइटें लग जाएंगी। बीच में पूरी ग्रीनरी कर रखी है, अभी काम चल ही रहा है यहाँ पे, देखो प्लांट का भी काम चल रहा है, पत्थर वत्थर लग रहा है साइड में देख रहे हो। और इस साइड तो कम भीड़ है, मतलब भीड़ है लेकिन कम है, उतनी भी नहीं है, लेकिन आगे चल के देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। आई थिंक यहाँ पे फ्री कोरोना टेस्ट चल रहा है सब लोगों का जो कि यहाँ रहते हैं। बाकी भी ये नहीं पता कि अगर जैसे मैं घूमने आया हूँ तो मेरा होगा कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं उनसे ये बात पूछने का भी। वेल, यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, मैं आपको दिखाऊंगा बिफ़ोर और आफ्टर वाली चीज़। लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद मैं एक बार चांदनी चौक आया था तो यहाँ पे पूरी खुदाई चल रही थी, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं टाइल्स और पत्थर लग चुके हैं। और ये जो बिल्डिंग है SBI की सबसे बड़ी ब्रांच है और सबसे पुरानी, समथिंग 18 में जाके बनी थी, 1870 या कुछ में जाके बनी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी ब्रांच है और पुरानी ब्रांच है। देखो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वाले मोबाइल COVID-19 टेस्टिंग वैन इनकी यहाँ पे भी खड़ी हुई है, एक जो टेस्ट करा रही है लोगों का। यहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, डॉक्टर बैठे हुए हैं, सब अपना आधार कार्ड वगैरह सब दिखा के इनकी टेस्टिंग चल रही है काफ़ी बढ़िया तरीके से। और मेरे ख्याल से यहाँ आसपास के सारे लोग हैं ये जो करवा रहे हैं। अपना श्री शीश गंज बहादुर जी का गुरुद्वारा, इस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पत्थर से काम कराया है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ऊपर भी काम चल ही रहा है, और भी थोड़ा उनको ठीक कर देंगे क्योंकि पहले जो था काफ़ी धूल जमी हुई थी और काई जो हो जाती है काली काली सी वो लगी हुई थी, तो वही सब मेरे ख्याल से ठीक करा रहे हैं। और मेरे ख्याल से यहाँ से बंद पड़ा हुआ है, ये भी अभी खुला नहीं है, और वो अपनी मस्जिद है उस साइड में। तो जैसे मैंने कहा था कि मेरे साथ में आज एक नया ब्लॉगिंग पार्टनर होगा, तो वो है ये निकिता। हेलो, है कुछ तो बोलो यार, वाह, कोई नया स्टाइल है कहाँ करने का। तो हम कहाँ जाएंगे भाई? हम आज जाएंगे खारी बावली और कटरा। कटरा तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, और ये नेम जो भी है चलो जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके बताएंगे कौन सी जगह है, मेरे को भी नहीं पता, इसको पता है। यहाँ सारी जगह साड़ी साड़ी है, साड़ी 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 है। कौन सी जगह भाई? ये कटरा है, कटरा में साड़ी मिलती है क्या? एक बात बताओ, कोई ऐसी लड़की होगी जैसे जैसे डिस्प्ले पे लगाते हैं लहंगे वहंगे, हाँ। उनको बस देख के ही पसंद आएगा, मतलब दुनिया में कोई भी एक ऐसी लड़की होगी सबको पसंद आते हैं डिस्प्ले के तो कपड़े, तो फिर अंदर जाके उस दुकान वाले का दिमाग क्यों चाटते हैं 2 घंटे तक? और वैरायटी पता लगती है ना, तो वही तो क्वेश्चन है कि मतलब एकदम एक झलक में जैसे ये वाला मेरे को पसंद आया मैं जाके ले लूँ, मैं देखूँ ही नहीं अंदर, कोई जवाब नहीं है भाई, कोई जवाब नहीं है, मैं जीत गया। इतनी गर्मी और इतना जाम है, डर किस लिए? ये है कालपी हवेली जो कि अभी बंद हो रखी है, इस साइड भी था, ये बंद हो रखा है, ये भी बंद हो रखा है, मॉन्यूमेंट क्लोज लिखा हुआ है। मेरे पास अगर पुरानी वीडियोस पड़ी होगी तो मैं डाल दूँगा, ठीक है। यहाँ पे एक और कोविड टेस्टिंग चल रही है, काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं, और ये बंदा स्लेट के दिख रहा है लाइव शो, बहुत सही चीज़ है, अच्छा हो रहा है ना? क्या फ्री में टेस्टिंग चल रही है कोविड की? क्या होता है पता नहीं है, कैसी कितनी होगी
बहुत हो रही है, मैं 3 देख चुका। एक्यूरेसी कितनी होगी ये कैसे पता? वो नहीं पता, बट हो रही है वो तो अच्छी बात है। और ये हम आ गए शायद खारे बावली। हाँ, ये सामने मस्जिद है, फतेहपुरी गेट है। क्या ये? ये है बायोडिग्रेडेबल लूफा। ये भी? हाँ, दोनों लूफा। ये भी? हाँ। जो नहाने में काम आता है? यस। तुम नहाते हो? नहीं। अच्छा, ये खारी बावली की छत है, मतलब छत इसके ऊपर है, लेकिन बहुत गर्मी है तो मैं वहाँ जा नहीं रहा हूँ। ऊपर से भी यही नज़ारा है, बस ऐसा गुंबद से बने हुए हैं ऊपर, तो काफ़ी धूप है, अभी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम ऊपर नहीं जा रहे, है ना। चलो फिर नीचे चलते हैं। बहुत गंदा है यार, दीवार देखो सीरियसली कुछ शेट ही है। 15-15, ये 15-15 क्या है? 15 नंबर चावल वाला। तेज बोलो यार। ये चावल वाला है 15 नंबर। चावल वाला 14 नंबर है, ये 15 नंबर है। तो ये तो फेमस क्यों है, इतनी भीड़ क्यों है? ये बहुत पुरानी शॉप है और ये बहुत अच्छी है, इनके पास सब कुछ मिलता है। तो चलो पूछ लो यार, तुम्हें जो पूछना है यहाँ पे। ये आप साइड में जगह देख रहे हो, ये वैसी है जैसे जहाँ सामने जो चांदनी चौक के वहाँ पे पत्थर लग रहे हैं। हाँ। ये भी सेम उतना ही है। हाँ। हाँ? तो तुम्हें क्या लग रहा है, मतलब वो ज़्यादा बेटर है या ये ज़्यादा बेटर है? वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, बल्कि वही बेटर है। देखो वहाँ कितना खुला था, यहाँ कितना घिच पिच है, मतलब आधी आधी सड़कें जो हैं वो इन बोरियों बोरियों से, रिक्शा वालों से और गाड़ियों से घिरी हुई है, और आधा जो रास्ता है जो बीच का है वो बस वही है उतना ही। और वहाँ पे जो है, जो चांदनी चौक के सामने, मतलब लाल किले के सामने जो लाल पत्थर वाला सब था, वहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ अलाउड नहीं है, इसलिए वो खुला था। वहाँ पे चलने के लिए भी रास्ता है, और मेरे ख्याल से आगे चल के रिक्शा विक्शे भी वहाँ चलेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी लंबी सड़क बनने वाली है जो तक अभी यहाँ तक आई नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले फ्यूचर में यहाँ तक भी बन जाए, क्योंकि काम जोरों शोरों से चल रहा है वहाँ पे। जा रहे हैं अमा कैफे, क्योंकि हम थक चुके हैं, और आज मैंने बादाम में फेवर्ड मास्क लगाया है, क्योंकि ये यहाँ इसमें गेयर लिया था क्योंकि अच्छा बीई बाय। सो आज कॉम्प्लीमेंट्री में है राहुल महाजन की हंसी। और इसका यही रीजन है, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स जब भी ब्लॉगिंग करते हैं तो ऐसे ही ब्लॉगिंग करते हैं। ऐसा तो नहीं है, अगर मैं जितना बोलता हूँ उससे मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मतलब नॉर्मली जितना मैं बोलता हूँ उससे तो ज़्यादा। शायद तुम ब्लॉग पे इससे ज़्यादा वर्ड्स में मूवीज़ के रिव्यू दे देते हो मुझे। मूवीज भी आश्रम जैसी वेब सीरीज, या फिर लेटेस्ट मैंने वो देखी 83 जैसी मूवीज़, वो उससे पहले देखी थी। मतलब तुम्हारा टेस्ट ही गंदा है। टेस्ट गंदा नहीं, अब वो बनी ऐसी रही है अभी इसी टाइम पे, और भी इतनी सारी। मैंने कल देखी थी अलाइव, जो कि शायद चाइनीज है। मैंने रिसेंटली देखी थी मसाबा मसाबा, और वो मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, मसाबा मसाबा अच्छी थी, मैंने भी देखी। तुमने भी देखी थी? अच्छी थी। तुमने तुम्हें अच्छी लगी तो मेरे को नहीं पसंद। तुम्हारा टेस्ट करना है। सो आज तुम्हारा खुद का कैसा रहा? काफी गर्मी, बहुत ज्यादा बहुत से बात थी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये पहन के रखूँ ना मास्क बहुत दिनों तक, और बाद में जब मास्क उतर जाएगा, कोरोना चले जाएगा, तो ऐसा रहेगा कि हाँ ब्लैक है और यहाँ व्हाइट है। हाँ, बॉडी पे थोड़ा बाद आधा बॉडी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, टैन हो जाएगा ना, जो बाकी एक्सपोज टू सन है। तो हम आ गए यहाँ पे न्यू अरुणा नगर कॉलोनी, जो कि कह सकते हैं मजनू का टीला, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और प्यास भी और गर्मी भी, तो हमने सोचा कि चलो
यहाँ आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एक एमा कैफ़े है, बहुत ही मशहूर कैफ़े है। हम पहले भी आ चुके हैं लेकिन फिर से जा रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और वहाँ पे बहुत ही तगड़ी चीज़ मिलती है ना। चलो फिर देखो कैसी गली है, मैं टाइम लैप्स बना लेता हूँ इस चीज़ का। हेलो, वेटिंग एरिया, आधा घंटे की वेटिंग है। पहले भी यहीं खाने का था। यहाँ पे पूरा अच्छे से पीलो जो कंपनी है उनका लगा हुआ है। यहाँ पे हाथ डालेंगे तो सैनिटाइज होगा और यहाँ पे अगर हम अपना हाथ को बस यूँ कर देंगे, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, सेंसर को कर देंगे तो देखो टेम्परेचर आ जाएगा। यहाँ पे वो जो गन चीज़ नहीं है, यहाँ पे गन नहीं है और यहाँ पे जो है बैग सैनिटाइज होता है, हर जगह ये बैग सैनिटाइज होता है जो कि अच्छी बात है। और यहाँ तक के लिए बस इतना ही। अब मैं जा रहा हूँ सीधा अपने घर। निकिता जो थी मेरे साथ में आज की ब्लॉगिंग पार्टनर वो चली गई है। सो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर दो और मेरे को सजेस्ट करो कि मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए वगैरह वगैरह जो भी है, तो मैं जैसा मन करे वैसा करूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी। और हाँ, मैं शायद इसके अगले हफ्ते मैं कोई ट्रिप पे जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ वो आप गेस करके बताओ।